नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क म्यांमार यानी कि बर्मा में तख्ता पलट हो गया है। वहां की सेना ने जो सरकार की प्रमुख है आंग सान सू की, उनको हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति के भी हिरासत में लिए जाने की खबर है। सड़कों पे जो है सेना आ गई है और जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं सब काट दिए गए हैं। इंटरनेट की सेवाएँ बंद कर दी गई है। लिहाजा आशंका इस बात की है कि तख्ता पलट हो गया है। दुनिया भर के देशों के रिएक्शन आने लगे हैं। अमेरिका ने कहा है कि हम हालात पर नज़र रखे हुए हैं और जो चुनाव हुआ था उस चुनाव को सबको मानना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। इसी तरीके से अन्य देश भी अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पे समस्या क्या चल रही थी। समस्या वहां पे ये चल रही थी कि आंग सान सू की सरकार ने सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के कार्रवाई करने का मन बनाया था और कहा भी था। इसको लेकर के उनकी सेना से तनातनी चल रही थी। अभी पिछले नवंबर में वहां पे चुनाव हुआ था जिसमें उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 83% वोट मिला। इसे उन जनमत संग्रह के रूप में देखा गया, यानी कि आंग सान सू की को जो है माना गया कि वो अभी भी बर्मा के एक छत्र राज करने वाली नेता हैं। लेकिन ये सेना को मंजूर नहीं था। सेना ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधलेबाजी की गई है और उसने इसकी शिकायत जो है की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने राष्ट्रपति की भी शिकायत की थी सेना ने, और जो है जो चुनाव आयोग है उसके चीफ की भी शिकायत की थी कि चुनाव फेयर नहीं हुआ है। इन्हीं सब बातों को लेकर के तनातनी चल रही थी। आपको बता दें कि वहाँ पे जो म्यांमार का इतिहास है, 1948 में ब्रिटिश राज से मुक्ति के बाद जो जनरल थे इनके पिता आंग सान, उसी दौरान उससे पहले ही बल्कि थोड़ा सा उनकी हत्या कर दी गई थी। लंबे समय तक वहाँ पर आर्मी का राज रहा और इसी को लेकर के, डेमोक्रेसी की बहाली को लेकर के, मानवाधिकार की बहाली को लेकर के आंग सान सू की जो है 1989-90 से लेकर के 2010-11 तक जेल में रहीं। और उसके बाद जो है जब वो बाहर निकली हैं तब जाकर के चुनाव हुआ। वहाँ पे सेना ने ही संविधान बनाया। 2011 में मुक्ति मिली इस सैन्य राज से। 2015 में चुनाव हुआ, फिर दूसरा चुनाव अभी हुआ था पिछले नवंबर में, लेकिन सेना ने उससे मानने से इनकार कर दिया। तो वो जो सारी चीज़ें पहले का जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं काम कर रही थी। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आंग सान सू की, मानवाधिकार के लिए लड़ने के लिए जानी जाती है। लंबा समय इन्होंने जेल में बिताया है। और अब बात ये आ रही है कि अभी हाल के दिनों में वो थोड़ा बदनाम हुई थी। क्यों बदनामी हुई? कि वहाँ पे जो रोहिंग्या और बौद्ध के बीच में कड़वाहट बढ़ी, उसमें वो कहीं ना कहीं बौद्ध के साथ खड़ी रहीं। रोहिंग्या की काफ़ी निकासी हुई, जो बांग्लादेश गए वो भी एक मुद्दा रहा और दुनिया भर में उनकी आलोचना भी होती रही, लेकिन उससे उनके जो पहले के कार्य हैं वो धूमिल नहीं होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया रिएक्ट कर रही है। तो अब ये देखते हैं कि इसके बाद जैसे ही इसका कन्फर्मेशन होता है फिर क्या कदम उठाती है दुनिया, ख़ास तौर से वो देश जो बर्मा में इंटरेस्टेड है। चूँकि म्यांमार भारत का पड़ोसी मुल्क है तो भारत को भी चिंता हो रही है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, कहीं पे भी सैन्य शासन की इजाज़त इस दौर में कोई भी नहीं देना चाहेगा। कमज़ोर ही सही, हर जगह लोकतंत्र होना चाहिए ताकि लोगों को अधिकार मिले। और आंग सान सू की जो है मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करती रही हैं। तो जैसे ही इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।